बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू जनरल साइंस क्लास। बेटा जनरल साइंस नाइन्थ, जनरल साइंस बेसिकली इसमें चैप्टर नंबर है हमारे पास 5 और उसका जो पेज नंबर है आपके पास वो है 59। पेज नंबर 59 और जो टॉपिक है बेटा आज का हमारा वो है एक बैक्टीरियल डिजीज जिसका नाम है कॉलरा। ठीक है, चले बेटा हम डिफरेंट जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं उनको वन बाय वन इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम जो है फंगल डिजीजेज, पैरासिटिक डिजीजेज, वायरल डिजीजेज वो भी सारी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में लास्ट जो बैक्टीरियल डिजीज है हमारे पास जिसका टाइटल है कॉलरा, बेटा वो हमने क्या करनी है, स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें पहली बात बेटा आपको बता दूं कि जब भी आप कोई डिजीज बताएं तो उसमें तीन चीजें हैं कि वो डिजीज किस तरह की है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, उसकी वजह क्या होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से हम उस डिजीज से बच सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके पास फर्स्ट, अगर हम कॉलरा को सबसे मेन बात करें तो इसमें क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वॉटरी स्टूल्स, वॉटरी स्टूल्स बेटा लूज मोशन। ठीक है, लूज मोशन इसमें जो है ना वो लग जाते हैं। The severity of this disease may range from minor element to very severe condition. अब देखो कि अगर हम इसकी severity की बात करें, मतलब कितनी शदीद हो सकती है, तो ये normal से very severe। ठीक है, अब वेरी सीवियर जब कंडीशन हो जाएगी तो उसमें सीवियर कंडीशन में फिर आपके पास क्या होता है कि जो लूज मोशन है वो बहुत ज्यादा एब्रप्ट हो जाते हैं। एब्रप्ट कहते हैं तेज, एब्रप्ट वॉटरी स्टूल्स। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, इट मे अकॉम्पनी वॉमिटिंग, इसमें इसके अलावा जी वॉटरी स्टूल्स के अलावा वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, और वॉमिटिंग के अलावा जी विच मे प्रोड्यूस डिहाइड्रेशन इन द बॉडी। अब देखो जब वॉमिटिंग होगी तो आपकी बॉडी का जो मोस्ट ऑफ द वॉटर है वो बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जिसके नतीजे में डिहाइड्रेशन हो जाएगी। आपकी जिस्म का जो पानी है, जो वाटर है बेटा, वो बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, क्या वाटर स्टूल्स, दूसरी चीज क्या वॉमिटिंग, जब वॉमिटिंग होगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, डिहाइड्रेशन, क्या होगी, डिहाइड्रेशन। ठीक है, चलें अब इसके अलावा और क्या हो सकता है जी, जो यूरिन है ना उसकी कलर चेंज हो जाएगा, स्कैंटी स्कैंटी यूरिन हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, फॉल स्मेल होगी उसमें। और क्या हो सकता है, मसल स्टार्ट इचिंग ड्यू टू लॉस ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। मसल्स जो हैं, मसल्स स्टार्ट इचिंग ड्यू टू लॉस ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम बॉडी। मतलब क्या है इस लाइन का, देखो कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट साल्ट्स हैं वो जब आप लूज मोशन होंगे या वॉमिटिंग करोगे तो उसके नतीजे में जो आपकी बॉडी के साल्ट्स हैं वो भी सारे के सारे क्या होना शुरू हो जाएंगे, रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जब वो कम हो जाएंगे तो बॉडी में, तो जो आपके मसल्स हैं प्रॉपर मसल्स को जितनी एनर्जी रिक्वायर है, साल्ट के जो कंपोनेंट चाहिए है बेटा, वो वहां पे उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, जब नहीं मिलेंगे तो जो मसल्स हैं उनमें बेटा जो है ना इचिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक कॉमन सिम्टम हो सकती है आपके पास किसकी, कॉलरा की। ठीक है, अब देखो मोस्टली जो है ना 30-40% पीपल
may die if untreated। देखो अगर हम इसका इस बीमारी को टाइम पे इसका इलाज ना करवाएं तो 30 से जो 40% लोग हैं बेटा उनकी इस वजह से मौत भी क्या हो सकती है, वाकई हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं इसके स्प्रेड पे कि किस तरह से फैलती है। तो अगर इसके स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड में जो पोल्यूटेड वाटर, फूड एंड मिल्क आर द मेन सोर्सेज ऑफ स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज। कितने सोर्सेज हैं जी? तीन। फर्स्ट वन इज पोल्यूटेड वाटर, सेकेंड वन इज पोल्यूटेड मिल्क एंड थर्ड वन इज द फूड। ये तीन चीजें हैं बेटा जो कोलेरा को कॉज करने वाला बैक्टीरिया है वो इन तीन चीजों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है और जो कॉलरा है उसको कॉज कर सकता है। ठीक है, चलें ये आ गया इसका स्प्रेड हमारे पास। स्प्रेड के बाद इसके अलावा जी जो डायरेक्ट कांटेक्ट है मरीज का हेल्दी लोगों के साथ वो इस बीमारी को फैला सकता है। द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ पेशेंट किसके साथ? विद हेल्दी पर्सन, विद हेल्दी पर्सन मे स्प्रेड डिजीज, मे स्प्रेड डिजीज। ठीक है, कि जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे से ही जो बैक्टीरिया है किसी दूसरे बंदे में भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए कि जो कॉलरा का पेशेंट है बहुत ज्यादा उसके साथ इंटरेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। अब इसकी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो प्रिवेंशंस हैं वो कौन कौन सी हैं और किस तरह से हम उन जो बीमारी है इससे बच सकते हैं। ठीक है, चलें जी, तो छोटा सा आपके पास छोटी सी हेडिंग आ जाएगी प्रिकॉशनरी मेजर्स या प्रिवेंशन। तो अगर प्रिवेंशन की बात करो सबसे पहली चीज क्या है, ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, ईट क्लीन फ्रेश फूड, डू नॉट ईट स्टेल फ्रूट्स। ठीक है जी, ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। ऑलवेज पास जो आपने पानी पीना है वो साफ सुथरा होना चाहिए, जो चीज खानी है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, पुरानी या बची हुई जो चीजें हैं या जो फ्रूट्स हैं बेटा वो आपने नहीं खाने। ठीक है, चले इसके अलावा और क्या कर सकते हैं जी, वॉश योर हैंड्स विद सोप बिफोर ईटिंग, वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले अपने जो हाथ हैं उनको अच्छे से क्या करें, साफ करें। और इसके अलावा प्रोटेक्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्लाइज, प्रोटेक्ट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स किसे जी, फ्रॉम फ्लाइज, फ्रॉम फ्लाइज। ठीक है, ताकि मक्खियों से बेटा उसको बचा के रखें ताकि जो है वो मक्खियों के जरिए जो वायरस जो बैक्टीरिया है वो आपकी जो फूड की चीजें हैं इनमें एंटर ना हो। ठीक है, कवर द फूड आर्टिकल्स, लास्ट पॉइंट आपके पास
कवर द फूड आर्टिकल्स, मतलब के जो खाने पीने की चीजें हैं आपके पास उन सब को क्या करके रखें, ढांप के रखें। ये बेटा सारी की सारी हमारे पास क्या है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनसे हम जो बैक्टीरिया है कॉलरा कॉज करने वाला उससे बच सकते हैं। तो बेटा क्या डिस्कस किया आज के लेक्चर में हमने कि कॉलरा बेसिकली क्या है, आपके पास एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो लूज मोशन, वॉमिटिंग, ठीक है, स्केंटी यूरिन, जिसकी वजह से जो है ना आपकी बॉडी में जो डिफरेंट सॉल्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो आपके पास डिफरेंट तरह के जो मसल्स हैं आपकी बॉडी के उनमें फिर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, उस तरह जो दूसरी बॉडी की प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ साथ क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। और अगर इस बीमारी को हम इसका प्रॉपर वे में इलाज ना करवाएं तो क्या होगा, ऑलमोस्ट जो 30-40% लोग हैं उनकी इससे डेथ भी हो सकती है, ठीक है। लास्ट में हमने ये भी देखा है कि अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो पेशेंट का दूसरे लोगों के साथ तो दूसरे लोगों में भी ये बीमारी क्या हो सकती है, फैल सकती है, ठीक है। फिर हमने इसकी कुछ प्रिवेंशंस देखी हैं कि क्या करना चाहिए हमें, कि जो हेल्थी फूड है वो खानी चाहिए, साफ जो है फूड उसको खाना चाहिए, जो वाटर है बेटा वो आपका क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, और इस तरह से जो आपकी खाने पीने की सारी चीज़ें हैं उनको भी अच्छे से कवर करके रखना चाहिए ताकि जो बैक्टीरिया है वो उनमें एंटर ना हो सके, ठीक है बच्चे। इस छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें, थोड़ा पढ़ाने का मकसद यही है कि आप इन चीज़ों को साथ साथ क्या करते रहें, प्रिपेयर करते रहें। आज के लेक्चर के लिए बेटा जी इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।